वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं भी काफी ज्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फ्लिपकार्ट हॉल। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने फ्लिपकार्ट से कौन कौन सी चीजें ऐसे परचेज की हैं जो कि आप लोगों को भी लेनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने जो कुछ भी लिया है अपने पैसों से लिया हुआ है, और जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उन प्रोडक्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को पिक्चर लगा के दिखा दूंगी कि इसका प्राइस क्या है। आप लोग अगर चाहेंगे तो फ्लिपकार्ट से अपने लिए उसे ले सकते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीजें फ्लिपकार्ट से परचेज की हैं। तो यहाँ पे गाइस, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि मैंने फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की है, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्लिपकार्ट पे अपना मतलब शॉपिंग करने का। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीजें मैंने फ्लिपकार्ट से ली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ली हैं ये दो कुर्तियाँ, आपको दिखाती हूँ, मैं खोल के दिखाऊंगी। इनको मैंने ऑलरेडी ही खोल के चेक किया था क्योंकि जरूरी है चेक करना, अगर मैंने चेक नहीं करती तो मे बी साइज मेरा बड़ा छोटा आ जाता, क्योंकि होता है कभी कभार कपड़ों में ऐसा हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ली है ये कुर्ती, देखिए आप लोग, ये कुर्ती ली है मैंने। ये है अनारकली टाइप, मतलब फ्रॉक कुर्ती, मैक्सी ड्रेस भी बोलते हैं लोग आजकल से, मैक्सी ड्रेस बोलो, गाउन बोलो, फ्रॉक कुर्ती बोलो या फिर अनारकली बोलो, किसी भी नाम इसे ले सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग इसे मैक्सी ड्रेस ही बोलते हैं। तो कुछ इस तरह के कलर में मैंने ये ली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाजू जो है फ्लेयर वाले बाजू हैं, और यहाँ पे ये डोरी भी इन्होंने लगा रखी है, अगर आपको टाइट करना है तो टाइट कर सकते हैं, अगर लूज करना है तो लूज कर सकते हैं, बट मेरे पे ये साइज बिल्कुल फिट आया है तो मुझे टाइट और लूज करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए दिख रहा होगा गाइस आपको, कुछ इस तरीके से ये कुर्ती है, और इसकी जो नीचे की लेयर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें जो घेरा है वो बहुत ज्यादा है, और मतलब इसका फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो फैब्रिक इसका ऑसम है, ऑसम। और गाइस, इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो रियोन में है, रियोन कॉटन में भी मतलब आया जाता है, तो ये ज़्यादा बुरा नहीं है, गर्मियों में आप लोग इसे ले सकते हैं। सो बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल आप लोग ले सकते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो फर्स्ट कुर्ती मेरी ये थी, फ्लेयर वाली कुर्ती। दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ, और गाइस दूसरा ये है मेरा कुर्ता, आप लोग देख सकते हैं, ये पिंक कलर में ये कुर्ता मैंने लिया हुआ है, और ये कुर्ता जो है वो है कॉटन ब्लेंड का, यानी कि कॉटन का कुर्ता है ये, और कुछ इस तरीके से ये कुर्ता है। देखिए आप, यहाँ पे इसके आप लोगों को बटन लगे हुए मिल जाएंगे, और फिर जो ये मैं दिखाया था ना आपको, जो मैंने पहले भी लिया था उसमें भी ऐसा था, और इसमें भी सेम, ये आगे से मतलब दोनों साइड से, ये देखिए आप लोग, आपके ब्रेस्ट के जस्ट नीचे ये आपको ऐसा मिलेगा, अगर आप खींचना चाहते इस तरीके से खींच सकते हो अगर आप पतले हो, बट मेरे पे ये साइज भी फिट आ रहा है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप लोगों को गाइस ये कुर्ता मिलेगा, देखिए, और ये भी लॉन्ग कुर्ता है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए लॉन्ग हो सकता है, बट मेरी हाइट 5'3" है तो मुझे ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो रही है। सो ये कुछ इस तरीके से है, और नीचे इस कुर्ते में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हल्का सा इस पर यहाँ पे कट दिया हुआ है, आप लोग इसके साथ ये ब्लू कलर का लेगी डाल सकते हैं या फिर प्लाजो डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी कुर्ती मुझे लगी और मैंने ये अपने लिए परचेज कर ली, और ये भी देख सकते हैं आप लोग कॉटन का है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब अगर हम इसे आजकल पहनते हैं गर्मी में तो बेस्ट है ये, हमें कोई भी इससे दिक्कत नहीं होगी। सो ये भी मैंने प्रिंटेड कुर्ता लिया हुआ है, दोनों कुर्ते ही मेरे प्रिंटेड हैं और मुझे दोनों ही कुर्ते काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो देख सकते हैं आप लोग, वो रियोन का कुर्ता था और ये कॉटन का है। तो एक दूसरा चीज मैंने ये ली है, तीसरे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ अपने लिए स्कार्फ लिए थे, स्कार्फ बोले तो आजकल डालते हैं ना लोग, अगर जीन्स पहनते हैं या फिर स्कर्ट टॉप पहनते हैं तो काफी सारे लोग आजकल वो शॉर्ट स्कार्फ आते हैं ना, तो वो मैंने लिए हुए हैं अपने लिए। तो ये है वो स्कार्फ, ये मैंने कॉम्बो में लिए हुए हैं, ये चार स्कार्फ मुझे मिले, और ये स्कार्फ है, और जो ये स्कार्फ का फैब्रिक है वो है पॉली कॉटन। तो मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने मतलब
चार कलर थे इसमें, तो चार कलर में से मैंने दो कलर डिफरेंट चूज किए थे, बट मुझे ये दो कलर अलग से आ गए हैं। बट अब मैं रिटर्न नहीं करना चाहती हूँ, छोड़ो, लॉकडाउन में क्या रिटर्न करूँ, वैसे ही कम मैं करोना कटर, तो इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। ये सारे स्कार्फ प्रिंटेड हैं, आप लोग समर में इन्हें इजी वेयर कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके की, देखिए इतनी इनकी लेंथ होती है, ज़्यादा नहीं, बस छोटी इनकी लेंथ है। ये देखिए चौड़ाई भी इनकी ज़्यादा नहीं है, लंबाई भी इनकी ज़्यादा नहीं होती है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग मैं आपको दिखाती हूँ, हम इस तरीके से इसे वेयर कर सकते हैं। ये देखिए आप, तो कुछ इतनी ही लेंथ इसकी होती है शॉर्ट। सो ये भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि ज़रूरत है इसकी आजकल, तो इसलिए मैंने ले लिया है। दूसरा कलर आप लोग देख सकते हैं, ये है वाइट और इसमें प्रिंटेड है मल्टी कलर, मतलब हम इसे मल्टी कलर बोल सकते हैं, किसी भी सूट में चल जाएगा या फिर किसी भी स्कर्ट टॉप पहनती हूँ तो उसमें चल जाएगा। ये दूसरा ये लिया हुआ है। तीसरा ये दो कलर मैंने नहीं मंगाए थे बट ये मुझे मिल गया है, ये है ब्राउन कलर, येल्लो और ब्राउन देख सकते हैं आप लोग, ब्राउन ही है ना। हाँ, और इसमें ये ब्लैक प्रिंट हो रखा है। सो एक ये है और चौथा है ये देखिए, सो ये है चौथा। फैब्रिक इनका काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं क्योंकि पॉली कॉटन का है तो अच्छा ही है, ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगी बट ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। सो ये हो गया। और एक मैंने अपने लिए मैक्सी वहाँ से ली हुई थी, यानी कि काफ़ी सारे लोग तो मैक्सी बोलते हैं जो यूज़ करते हैं डेली वेयर में, वैसे लोग नाइटी बोलते हैं। सो ये है साटन का, इसका फैब्रिक है और कुछ इस तरीके से प्रिंटेड में है ये मैक्सी मेरी, और इस पर आप लोग देख सकते हैं बटरफ्लाई बने हुए हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और कलर तो मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को मेरा बेस्ट कलर यही है येल्लो। सो येल्लो कलर मैंने इसे लिया हुआ है और ये भी अच्छा है, ज़्यादा बुरा नहीं है बट अच्छा है। डेली अगर हम लोग घर में पहनते हैं इसे डेली तो आसानी से पहन सकते हैं, और आजकल के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सो इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि साटन का है ये, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट है बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पहनने के बाद कि हमने कुछ पहना भी है। सो एक ये है मेरे मैक्सी, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इसके ये देखिए बटन लगे हुए हैं और कुछ इसी तरीके का है। सो नेक्स्ट मेरा ये था, और गाइस जो मैंने वहाँ से लास्ट चीज़ अपने लिए परचेज की है वो है बॉल हैंगिंग राउंड, यानी कि ये देखिए बहुत प्यारा है और मल्टी कलर में ये है। आजकल काफ़ी सारे लोगों ने इसे परचेज किया हुआ है, आप लोग ये पीछे मेरे वॉल है, मैं बता सकती हूँ आपको, आप लोग अगर आपके घर में मतलब आपको डेकोर करना है तो किस तरीके से भी आप इसको डेकोर कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों की, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग इसे डेकोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने अपने लिए इसे मंगा दिया है। और ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है बट ठीक ही प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। ये यहाँ पे इसके स्टोन लगे हुए हैं और ये कुछ धागे से वर्क है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं ये बोलते हैं ना पंख लगे हुए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और वॉल पे भी बहुत अच्छा जाता है, देख ही चुके होंगे आप, ये देखिए। तो ये मैंने अपने बेडरूम के लिए लिया था, बेडरूम में मैंने अपने इसे लगाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी। गाइस बस इतनी सी ही मैंने शॉपिंग की थी, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी थी, तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, एक दो चीज़ें मंगाती हूँ और देखती हूँ कि कैसा प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छे आए हैं, प्रोडक्ट में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी कि प्रोडक्ट हमारे खराब निकले हैं, बट गाइस फ्लिपकार्ट से जो भी चीज़ मैंने ली उसमें मेरे को सबसे बुरी चीज़ यही लगी, जो उनका डिलीवर टाइम है बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें कैश ऑन डिलीवरी मंगाई थी, मैंने पे नहीं किया था ऑनलाइन, सोचा कैश ऑन डिलीवरी कर लेती हूँ, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैंने अगर एक साथ ऑर्डर किया तो शायद से ये एक साथ ही आ जाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट पे जब भी मैं कोई प्रोडक्ट मंगाती हूँ, दो चार प्रोडक्ट मंगाती हूँ और कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ तो सारे प्रोडक्ट मेरे एक ही साथ आ जाते हैं, बट फ्लिपकार्ट पे मैंने पहली बार शॉपिंग की और पहली बार ही मुझे निराशा हुई, क्योंकि मेरे जो भी प्रोडक्ट थे पहले तो ये प्रोडक्ट मेरे 6 से 7 दिन के बाद आए, जो कि नहीं आना चाहिए था, और दूसरी बात यह है कि ये प्रोडक्ट मेरे एक एक करके आए, मतलब 6-7 दिन बाद एक प्रोडक्ट आया, फिर 4 दिन बाद एक प्रोडक्ट आया, फिर 4 दिन बाद एक प्रोडक्ट आया, ऐसे ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी, और लेट मेरे प्रोडक्ट ये आए, मे बी 2 वीक हो गए होंगे, 2 वीक बाद मुझे ये रिसीव हुई हैं। तो यही चीज़ मुझे फ्लिपकार्ट की अच्छी नहीं लगी, जो उनकी डिलीवरी टाइम है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
सो बाकी अगर मैं वहाँ के कपड़ों की बात करूँ तो कपड़े वहाँ के अच्छे हैं। आप लोग भी अगर लेना चाहते हो, आप लोग भी फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि कपड़े वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिखता है वही आपको सेम मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पे कुछ अलग दिख रहा है और आपको रियल में कुछ अलग दिखेगा, ऐसा नहीं है। सो गाइस, आई होप कि आज की ये वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा फ्लिपकार्ट हॉल अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।